बैक टू माई चैनल ब्यूटी टिप्स बाय गुलशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 6 समर ब्यूटी हैक्स शेयर करने वाली हूँ। ये सारे ब्यूटी हैक्स बहुत ही अमेजिंग से हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको इनमें सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समर्स में अगर आपको भी सनबर्न की प्रॉब्लम हो गई है तो चलिए इसके लिए मैं आपको अच्छा सा हैक बताती हूँ। अगर आपको भी सनबर्न की प्रॉब्लम हो गई है तो सनबर्न को ठीक करने के लिए आपको एक आइस क्यूब ट्रे लेना है, उसमें थोड़ा थोड़ा एलोवेरा जेल डालना है और उसमें कुकुम्बर जूस ऐड कर देना है। इसके बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्रिज में रख देना है। जब भी आप बाहर से आएँ, आपको जिस भी एरिया पर सनबर्न हुआ हो, आपको एक आइस क्यूब लेना है और अपनी स्किन पर अच्छे से लगा लेना है। सनस्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये तो सब जानते ही हैं, बट बहुत से लोग अपने फेस पर ही सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं, अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी टैन की प्रॉब्लम में हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी पर भी सनस्क्रीन को अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा हैक बताती हूँ, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और आपको अलग सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एक कंटेनर लेना है, उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लेना है और इसमें आपको सनस्क्रीन को ऐड कर देना है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन बनकर रेडी है, बस आपको बाहर जाते टाइम इसको अपनी पूरी बॉडी पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अगर आपको भी डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको इस हैक को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपको लेना है एक आलू, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसको बीच में से काट लेना है कुछ इस तरह से, और इसको अपने फेस पर 10 मिनट के लिए ऐसे रब करना है, पूरे फेस पर इसको अच्छे से रब करना है और 10 मिनट तक अपने फेस को ऐसे ही रहने दें, और 10 मिनट बाद अपने फेस को ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लें। यह आपके स्किन से डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इस ऐप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। समर्स में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से हमारे फेस पर पिंपल की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर आपके फेस पर भी पिंपल की प्रॉब्लम है तो आप इस हैक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये हैक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको लेना है 1 चम्मच सिनेमन पाउडर, उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा हनी ऐड कर देना है, उसके बाद आपको इसमें 1 से 2 पिंच हल्दी ऐड करनी है और एलोवेरा जेल की हेल्प से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपको अपने फेस पर जहाँ भी पिंपल है इसके लगा लेना है और ओवरनाइट ऐसे ही रहने देना है। अगर आप भी इस समर सीजन में एक अच्छे सा DIY फेस पैक ढूंढ रहे हैं तो ये वाला फेस पैक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस फेस पैक को बनाते कैसे हैं। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, 2 पिंच हल्दी, और आपको इसमें 1 से 2 चम्मच कर्ड ऐड करना है और रोज़ वाटर की हेल्प से इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ये फेस पैक आपकी स्किन से टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा। समर्स में अगर आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो ये हैक आप ज़रूर ट्राई करना, ये हैक आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें आपको एक आइस क्यूब इस तरह से रखना है और इससे अपने फेस को 10 मिनट के लिए ऐसे करना है, इसे आपने पूरे फेस पर अच्छे से रब करें और आपको अपने पोर्स पर ज़्यादा रब करना है, जिससे कि आपके ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएगा, मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे हैक्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।